सोनी KD43X7500F। सो ये एक 4K टीवी है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ज़्यादातर पैनल्स की प्रॉब्लम्स आते हैं, और उसके बाद ये टीवी डेट में मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके अंदर एक पावर सप्लाई बोर्ड अलग से लगा हुआ है, और यहाँ पर एक मेन बोर्ड लगा हुआ है, और इसका जो LVDS केबल है, यहाँ पर एक टिकॉन बोर्ड लगा हुआ है। सो इस टीवी को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ज़्यादातर इस बोर्ड में या तो इस टीवी के अंदर आपको क्या कंप्लेन मिलेगा, डिस्प्ले का कंप्लेन मिलेगा। सो डिस्प्ले रिपेयर करने का बहुत सारा वीडियोस अपलोड किया गया ऑलरेडी, और इसके अंदर अगर टीवी डेड में है तो हम डेड टीवी को स्टडी करेंगे। डेड टीवी अगर आपको रिपेयर करना है तो ऑब्वियसली ये जो पावर सप्लाई बोर्ड है, इसका सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर जो अगर मेन बोर्ड में कोई दिक्कत है, सो मेन बोर्ड को स्टडी करने के लिए या तो रिपेयर करने के लिए इसका जो वोल्टेज चार्ट है वो आपको सारी पता होना चाहिए, कौन सा रेगुलेटर क्या काम कर रहा है, ठीक है। अगर वोल्टेज चार्ट नहीं है तो हम इसको रिपेयर कैसे करेंगे। तो इसीलिए फर्स्ट हम पावर सप्लाई से लेके पूरा मेन बोर्ड तक हम वोल्टेज डिटेल्स भी नोट करेंगे, प्लस इसका जो कॉम्पोनेंट्स है यहाँ पर कौन सा इसे क्या क्या चीज़ के लिए लगा हुआ है, सारी चीज़ को स्टडी करेंगे। तो पहले हम पावर सप्लाई से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हम अगर पावर सप्लाई से स्टार्ट करें, सो यहाँ पर देख सकते हो आप, दो LED डाइवर लगा हुआ है जो बैकलाइट सेक्शन के लिए। सो ये सेक्शन पूरा बैकलाइट का सेक्शन के लिए, मतलब जो बैकलाइट को वोल्टेज बूस्टअप चाहिए, वोल्टेज उसको यहाँ पे स्विचिंग करा के LED डाइवर का यहाँ पर बैकलाइट के लिए बूस्ट सप्लाई बना के दिएगा। और उसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ कंपोनेंट्स लगा हुआ है, जहाँ कि यहाँ पर एक है ऑडियो IC लगा हुआ है। सो यहाँ पर स्पीकर कनेक्ट होगा, तो ये जो IC है इस एरिया ऑडियो सेक्शन का है। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर और एक IC लगा हुआ है जो एक रेगुलेटर है। ये क्या करेगा, 19 वोल्ट इनपुट लेके 12 वोल्ट बनाएगा, जो हमारा पैनल है उस पैनल के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये 19 वोल्ट इन हुआ, फ्यूज डायोड लगा हुआ है, और यहाँ पे दो मॉस्फेट लगा हुआ है जो वोल्टेज को आगे पास कराने के लिए या तो वोल्टेज को स्विचिंग कराने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर भी एक रेगुलेटर लगा हुआ है जो यहाँ पर इनपुट सोर्स में 12 वोल्ट लिएगा और आउटपुट में स्विचिंग करा के 12 वोल्ट दिएगा। किसके लिए, जब पैनल ऑन के लिए सिग्नल्स आएगा तो इस टिकॉन बोर्ड में 12 वोल्ट पास करेगा, ठीक है। तो हम इस पावर सप्लाई में देख लिया कि इस पावर सप्लाई के अंदर क्या क्या सेक्शन है। सो यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा हुआ है जो 19 वोल्ट से 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। तो हम आपको इसको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ्यूज़ है, यहाँ पर हमको 19 वोल्ट इन मिलेगा, ये 19 वोल्ट बता रहा है, ठीक है। और ये मॉस्फेट के जरिए आगे यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये एक मॉस्फेट प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। सो अगर हम देखें ये मॉस्फेट से क्या क्या इस 19 वोल्ट को आगे पास किया गया, फिर उसके बाद इस 19 वोल्ट हमारा इस रेगुलेटर के अंदर इनपुट होगा। अगर हम चेक करें यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर ये 19 वोल्ट इनपुट हो रहा है और ये इस रेगुलेटर IC के अंदर इनपुट होगा, और इसका जो आउटपुट है इस कॉइल के अंदर है, मतलब कॉइल को स्विचिंग करा के क्या करेगा, ये 12 वोल्ट जनरेट करेगा। तो हम यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो ये 12 वोल्ट मिल जाएगा, और ये 12 वोल्ट कहाँ कहाँ जाएगा, जो हमारा बोर्ड है इस बोर्ड के अंदर भी इनपुट होगा, क्योंकि इससे भी और कुछ वोल्टेज रेगुलेट कराया गया। सो इसके अलावा इस 12 वोल्ट को यहाँ पर डाला गया, ये क्या है, एक मॉस्फेट है जिसका सोर्स में लगा हुआ है, और इसका जो आउटपुट है यहाँ पर है कुछ, ये पैनल ऑन का जब सिग्नल आएगा तो ये मॉस्फेट क्या करेगा, इसको आउटपुट करेगा। अगर टीवी स्टैंड बाई में होगा तो ये आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। सो टीवी अभी चालू कंडीशन में है, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ कि कहाँ पर कितना वोल्टेज बन रहा है। और उसके अलावा अभी हम मेन बोर्ड को चेक करेंगे, मेन बोर्ड के अंदर क्या क्या रेगुलेटर लगा हुआ है और कहाँ पर कौन सा सेक्शन है। सो पहले हम इधर से देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या सेक्शन है। लास्ट में एक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, USB के लिए एक बनाया गया। सो इस सेक्शन यहाँ पे 19 वोल्ट इनपुट हो रहा है,
यहाँ पर देख सकते हो आप 19 वोल्ट इनपुट हुआ है। और इस रेगुलेटर को दोबारा कन्वर्ट करके क्या किया, ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट किया गया, जो यूएसबी सेक्शन के लिए ये वोल्टेज काम आएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और कोई सेक्शन नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा रेगुलेटर है जिसके अंदर 12 वोल्ट इनपुट किया गया। सो अगर हम चेक करें यहाँ पर, ये 12 वोल्ट इनपुट किया गया और इसका आउटपुट में हमको 5 वोल्ट मिलेगा। अच्छा, 1.8 वोल्ट दिया हुआ है। सो ये 1.8 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पर, जो इसका बाजू में जो ट्यूनर है, इस ट्यूनर के लिए। इसके अलावा जो रेगुलेटर वगैरह हैं, यहाँ पर है कुछ रेगुलेटर और यहाँ पे एमएमसी है। तो अगर हम यहाँ से चेक करें, यहाँ पर 19 वोल्ट इनपुट हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूज़ भी लगा हुआ है और यहाँ पे एक रेगुलेटर है। जो रेगुलेटर क्या करेगा, हमको 3.3 प्रोवाइड करेगा। सो इस रेगुलेटर का आउटपुट में हम चेक करें तो इस कॉइल पर आएगा और ये कॉइल 3.3 वोल्ट के लिए बना हुआ है। ठीक है, मतलब 3.3 कन्वर्ट करने के लिए इस रेगुलेटर है। और इस रेगुलेटर का जो 3.3 आउटपुट हुआ है, इस 3.3 के द्वारा यहाँ पे एक मॉस्फेट है जिसके जरिए स्विचिंग करा के ये 3.3 आगे भी जाएगा। ठीक है, जब टीवी ऑन रहेगा तो ये सारी यहाँ से आउटपुट कराया जाएगा। और इसके अलावा उसका बाजू में और एक रेगुलेटर है। सो अगर हम देखें इस रेगुलेटर का इनपुट, इस रेगुलेटर का इनपुट यहाँ पे किया गया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 19 वोल्ट इनपुट किया गया और उसके बाद इसका आउटपुट में 1 वोल्ट, जो ये प्रोसेसर के अंदर जाएगा उसके लिए बनाया गया, ये कोर वोल्टेज होगा आई थिंक। सो इस रेगुलेटर क्या कर रहा है, 19 वोल्ट इनपुट लेके 1 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। ठीक है, इसका ऊपर और एक रेगुलेटर है बहुत ही छोटा सा, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसका जो इनपुट है, हम देखते हैं इसका इनपुट यहाँ पर है, जो एक फ्यूज़ के जरिए 3.3 वोल्ट है। सो इसका इनपुट 3.3 वोल्ट और इसका जो आउटपुट है, अगर हम कॉइल पे चेक करें यहाँ पर कुछ 1.5 वोल्ट। सो ये 1.5 वोल्ट किसके लिए है, जो रैम लगा हुआ है उस रैम के लिए। अब यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा हुआ है और एक, जिसका इनपुट यहाँ से है, ये 12 वोल्ट है। तो आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट है और इसका आउटपुट में जो एक कॉइल लगा हुआ है, सो यहाँ पर हम चेक करें तो ये 12 वोल्ट क्या कर रहा है, 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। सो ये 5 वोल्ट के लिए एक रेगुलेटर है। तो हम देख लिया ये 5 वोल्ट के लिए रेगुलेटर है और यहाँ पे 1.5 के लिए एक रेगुलेटर है, यहाँ पर कोर वोल्टेज 1 वोल्ट के लिए एक रेगुलेटर है और यहाँ पे 3.3 वोल्ट के लिए एक रेगुलेटर है। सो इसके अलावा यहाँ पे नीचे जो ईएमएमसी दिया हुआ है, अगर हम देखें यहाँ पर ईएमएमसी के अंदर क्या किया जाएगा, वोल्टेज 3.3 वोल्ट वीसीसी, और इसका जो वीसीसी की वो है, यहाँ पर एक रेगुलेटर है जिसके अंदर 3.3 इनपुट होगा और इसका आउटपुट में हमको 1.8 मिलेगा, ये इसका बीसीसी क्यू है। ठीक है, तो इसके अलावा और एक छोटा सा यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है, इसका इनपुट में हम अगर चेक करें, ये 1 वोल्ट है इसका आउटपुट। तो इसका अगर इनपुट हम देखें, इनपुट कुछ ये होगा, यहाँ पर है इसका इनपुट है 3.3 वोल्ट और इसका जो आउटपुट है वो 1 वोल्ट है। सो यहाँ पर ये सारी जो वोल्टेज रेगुलेटर हैं, अगर आपका टीवी डेड में है तो इन सारे वोल्टेजेस चेक कर लेना है। ठीक है, और पैनल का जो वोल्टेज है वो कुछ यहाँ से इनपुट होगा पैनल के अंदर,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें इसका इनपुट में दो पॉइंट लगा हुआ है, ये 12 वोल्ट है इनपुट जो इस बोर्ड के अंदर एंटर हुआ, जो कुछ वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर स्विचिंग करा के ये क्या करेगा, वोल्टेज रेगुलेट करेगा, इसके लिए यूज़ किया गया। लेकिन इसका बाजू में भी और कुछ पॉइंट है, अगर हम चेक करें ये जो 12 वोल्ट है ये पैनल के लिए जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है, अगर हम देखें इस 12 वोल्ट यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर जो एक मॉस्फेट लगा हुआ है, इस मॉस्फेट के द्वारा इसका सोर्स से आउटपुट होके ये जा रहा है, ठीक है, पैनल के अंदर। सो ये सारे वोल्टेजेस आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर इस टीवी अगर डेड कंडीशन में है तो कोई वोल्टेज अगर नहीं बनेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस रेगुलेटर को फिक्स करना पड़ेगा जो रेगुलेटर के लिए वोल्टेज नहीं बन रहा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया।